बहुत ही सुंदर कथा प्रसंगों का आप सभी भक्तजन धरती के वैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ धाम में कथा का रसपान कर रहे हैं। सर्वप्रथम व्यासपीठ को नमन करते हुए व्यासपीठ पर आसीन परम पूजनीय प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय बद्रिक आश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित इस श्रीमद भागवत महापुराण की इस कथा में जितने भी भक्तजन चैनल के माध्यम से हम सब से जुड़ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वादोवाद। श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट ये उन असहाय उन दिव्यांग जनों के लिए है जो शिक्षा के अभाव में आज बेरोजगारी में, आपने देखा होगा पहाड़ों में बच्चा दसवीं करता है और बारहवीं करता है, मन में बस एक ही बात आती है कि दिल्ली बंबई जाकर होटलों में जाना है, बस उसके अलावा भविष्य का कुछ पता ही नहीं है क्योंकि उच्च शिक्षा का अभाव है। और जो भी लोग पहाड़ों से जा रहे हैं ऋषिकेश देहरादून दिल्ली मुंबई ऐसे स्थानों पर जाकर वहीं पर बस अपना किराए के कमरों में रैन बसेरा कर रहे हैं और वहीं पर ही होटल आदि में नौकरी करके कैसे कैसे करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे हैं। महाराज श्री ने जब पहाड़ की इस दुर्दशा को देखा तो मन में एक संकल्प लिया और ये संकल्प लिया 7 फरवरी 2016 को, और इस संकल्प का मुख्य उद्देश्य रहा नाम ही देखिए श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट विष्णु भक्ति, जिसमें भक्ति है। देखिए भक्ति अगर हो सकती है तो हृदय से हो सकती है क्योंकि भक्ति के लिए हृदय चाहिए। और जो ये सिर वाले होते हैं ना खोपड़ी वाले, ये बस भक्ति का हरण करना जानते हैं। आपने सुना होगा कि सीता माता का जन्म घट से हुआ, घट के दो अर्थ है, एक तो घड़ा और दूसरा हृदय। भक्ति अगर जन्म लेगी तो हृदय से लेगी। जितनी भी आप पूजा पाठ जप तप दान अनुष्ठान करते हैं ये क्रिया है, इस क्रिया के द्वारा भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति के द्वारा परमात्मा प्राप्त होते हैं क्योंकि भक्ति परमात्मा की प्रेयसी है, प्रेमिका है। और जहां पर भक्ति माता होती है वहां पर साक्षात परमात्मा निवास करते हैं। देखिए हमारे जीवन में दो चीजें, शिक्षा एवं दीक्षा। शिक्षा बुद्धि को शुद्ध करती है और जो दीक्षा है वो मन को शुद्ध करती है। शिक्षा के द्वारा, शिक्षा चेतन मन पर काम करेगी और जो दीक्षा है वो अवचेतन मन पर काम करेगी। और ऐसे संत महात्मा, ऐसे महापुरुष, ऐसे विद्वान जब बार बार हमें प्रेरणा देते हैं धर्म के मार्ग पर चलने की। देखिए श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट जो कि केदारनाथ के वैकल्पिक मार्ग चौरा मंगनों में बनाया जा रहा है और उसका हमने 5 जनवरी 2017 को विद्यालय एवं अस्पताल का वहां पर कार्य भी शुरू हो चुका है। तो ये धर्म के साथ जोड़ने की महाराज श्री की एक छोटी सी कोशिश है, एक पहल है, एक अभियान है और आप सभी इस महाअभियान में जुड़ जाइए। चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमसे जुड़ चुके हैं मैं उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर पर संपर्क साधिए और जुड़िए इस महाअभियान के साथ, जुड़िए इस धर्म की इस गाथा के साथ, क्योंकि जो जरूरतमंद लोग हैं वो वहां पर उपस्थित रहेंगे और आप सबके पास तन से मन से धन से जितना हो सके सेवा हो जाएगी। देखिए सेवा भाव है, भक्ति भी भाव है। सेवा तब उत्पन्न होती है, भक्ति तब उत्पन्न होता है जब मन में दान की प्रेरणा आती है। दान की प्रेरणा से सेवा का भाव उत्पन्न होता है, भक्ति का भाव उत्पन्न होता है और भक्ति का भाव उत्पन्न होते ही भक्ति माता जब भी हृदय में प्रवेश करती है तो अपने पुत्रों के साथ प्रवेश करती है। तो भक्ति माता के पुत्र महाराज श्री ने बताए थे ज्ञान और वैराग्य हैं। और अभी महाराज श्री शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं तो शिव महापुराण क्या है, श्रद्धा और विश्वास का विषय है, श्रद्धा और विश्वास का पुराण है क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के बिना परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए इस महाअभियान के साथ मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि जुड़िए धर्म की इस गाथा के साथ। तो मेरी आप सभी से विनम्र निवेदन है कि विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट का जो ये उद्देश्य है उच्च शिक्षा टेक्निकल एजुकेशन और स्वरोजगार की जो ये हमारी पहल है, आप जुड़िए इस पहल के साथ। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कृपया करके इस अभियान के साथ जुड़िए और परमात्मा के इस लक्ष्य को जो कि महाराज श्री ने ये संकल्प लिया है इसको पूर्ण कीजिए और पुनः मंच
व्यासपीठ को ये मंच समर्पित करते हुए एक बार फिर से सरस्वती पुत्रों के श्री चरणों में नमन करते हुए एवं विद्वत मंडली के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं व्यासपीठ को ये मंच समर्पित करता हूँ। कई जगह पूछते हैं, कुंडली में भी देखते हैं, जन्म पत्री में भी देखते हैं, राहु 2, 4, 7, 10 और 12वें स्थान में है तो पितृदोष का द्योतक माना जाता है। कई जगह प्रसंग आ रहा है, लेकिन इसके लिए हम क्या सोचते हैं या शास्त्र में किस प्रकार से हम जान सकते हैं? क्योंकि जो पितृ चले गए इस दुनिया को छोड़कर, हम सबको छोड़कर चले गए, उनकी उम्र आयु वो चले गए, परंतु एक समस्या है, क्योंकि हम हैं या हमसे आगे वाले जो चले गए हैं, वो चिंता, परेशानियां, दुख, बच्चों की समस्याओं को लेकर मरते हैं। अब ज्यादा चिंता करके भी मरोगे तो वो भी उसके लिए संकट बन जाएगा जिसकी आप चिंता कर रहे हैं। ज्यादा प्रेम करके भी मरोगे तो भी उसके लिए संकट बन जाएगा। अत्यधिक प्रेम भी अच्छा नहीं है और अत्यधिक चिंता भी अच्छी नहीं है और अत्यधिक बैर भी अच्छा नहीं है। मैं वो बात आपको कह रहा हूं जिससे आत्म कल्याण निश्चित है। या तो द्वेष में मरते हैं, या तो प्रेम में मरते हैं, या तो चिंता में मरते हैं। आखिर मृत्यु भी कारण ढूंढ के आती है। साहब बड़ी चिंता थी, हार्ट अटैक हुआ, स्ट्रेस बहुत था, खाना अच्छा, पीना अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन स्ट्रेस हुआ। अब वो स्ट्रेस इस लेवल का हो गया, वो चिंता इस लेवल की हो गई कि उसने आपकी धमनियों को बंद कर दिया, आपकी गति और स्थिति को रोक दिया। सोच, जब जीते जी चिंता के कारण आपकी गति, आपकी मति आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकती है, तो सोचिए कि मरने के बाद उस जीवात्मा की स्थिति क्या होती होगी। बहुत बड़ा प्रश्न है, ये विचारणीय प्रश्न है। जब जीते जी चिंता का लोड ज्यादा हो जाता है, कोई परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती है, तो भी सोचिए जिंदगी रुक जाएगी, बढ़ेगी नहीं। कोई परमार्थ, कोई पुरुषार्थ, कोई धर्म, कोई सत्कर्म आपको फिर आगे बढ़ाता है। इसलिए कहा गया है, चिंता चिता समख्याता तस्मा चिंता गरी। सोचिए कितना बड़ी बात कही विद्वानों ने, चिंता चिता समख्यात, अंतर नहीं है, केवल अनुस्वार का अंतर है आचार्य, केवल अनुस्वार का अंतर, बस उस अनुस्वार के पीछे बढ़ जाइए। अभी अनुस्वार क्या है? ओम एकाक्षरम ब्रह्मा यत शुद्ध चेतसाम। जितना उस अनुस्वार को देखोगे उतना मन शुद्ध होगा, आपके ब्लॉकेज खुल जाएंगे, आपकी चिंता कम हो जाएगी, आपकी टेंशन कम हो जाएगी। ओम शब्द औषधि है, यदि संसार भय है या भव है, ये भव संसार है, इस संसार में भय ही भय है। यदि संसार भय है तो औषधि शब्द है। यदि कोई व्यथित है, दुखित है, परेशान है, कष्ट में है, पीड़ा में है, चिंता में है और किसी बड़ी विडंबना में है, तो कोई मित्र जाकर उसको संतुष्ट करता है, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक है।
इसीलिए बड़े बड़े संत महापुरुष ज्ञानी ध्यानी योगी लोग क्या कहते हैं, ओंकार विन्दु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चेवा ओंकाराय नमो नमः। शब्द का चमत्कार समझा, ओम शब्द, यदि शब्द औषधि है, यदि शब्द ब्रह्म है तो इसमें जीवन भी है। इसीलिए हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने वेद, वेदों की रचना की। अब देखिए ना, भगवान शंकर ने नृता बसाने नटराज राजो नना दड़का नौ पंच बारह उद्युक्त कामा शनकादि सिद्धा ने तो दिमर्श शिव जाल शुत्रम, तो क्या अयोण रेल के ये शब्द ओ ई ऊण एक अक्षर निकला और पूरी व्याकरण बन गई। इस 14 पाणिनीय सूत्र, अब ये पाणिनीय है या शिव है, भगवान शंकर के डमरू से निकले, एक एक अक्षर बता रहा है मैं शास्त्र हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं निराकार होते हुए भी ब्रह्म स्वरूप हूं। तो ऐसी परम गति मति स्थिति बनाने के लिए प्रत्येक जीवात्मा को चाहिए कि वो शब्द के अंदर ब्रह्म को ढूंढे। हम लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक कितनी बार ओम गायत्री मंत्र जपते हैं, ये जो भी जिस मंत्र को जप रहा है, लेकिन उस जप को शब्द में आकाश में उड़ते हुए देखा, मैंने जो बोला उसकी वेव्स, उसकी तरंग, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए थोड़ा समझना होगा, हमने जब लाइट जाती है, जब विद्युत व्यवस्था भंग होती है तो हम यहां से वहां तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते हैं। शर्मा जी, जब लाइट जाती है तो हम अपनी आवाज या इस पूरे हॉल में नहीं पहुंचा सकते। अब सोचिए कि जिस मंत्र को मुकेश जी आप जपते हैं वो कहां तक जाता होगा, उसकी तरंग, उसकी वेव्स, उसकी गति, उसकी स्थिति, वो कहां तक वार करती होगी और कहां तक पहुंचती होगी। क्या आपने अपने मन से इसको चिंतन किया? आप लोग सब पूजा पाठ करते हैं, अब आप बताइए कि आप जब जिस ज्योत को जलाते हो उस ज्योत को कौन कौन देख रहा है, आपने किसके लिए जलाई, जिसके लिए जलाई क्या वो देख रहा है उस ज्योत को कि तूने मेरे लिए ज्योत जलाई, लेकिन हम बोलते हैं उस ज्योत को क्या, दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमस्तुते। वो जो ज्योत है ना वो किसी के लिए नहीं है, वो हमारे लिए, अपने लिए, खुद के लिए। अब उस दीप ज्योति को हम ब्रह्मा मानते हैं, विष्णु मानते हैं और शिव मानते हैं, लेकिन कभी देखा उसके अंदर शिव, बताइए हाथ खड़ा करके किस किस ने देखा उस दीप ज्योति के अंदर भगवान शिव को, किस किस ने उस ज्योत के अंदर शिव को देखा, ब्रह्मा को देखा, विष्णु को देखा, आखिर कौन है जिसने उसके उस ज्योति के अंदर शिव को देखा, शिव का दर्शन किया? नहीं किया। मंत्र तो खूब बोल दिए और मंत्र सुना भी दिए, लेकिन प्रयास नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, चिंतन नहीं किया, क्योंकि शिव पुराण की कथा का श्रवण नहीं किया था। क्योंकि शिव शब्द में केवल त
तत्व छुपा हुआ है, सार छुपा हुआ है, ज्ञान छुपा हुआ है, चिंतन छुपा हुआ है, आत्मविश्लेषण छुपा हुआ है। हे आत्मा, ये मांस रूपी पिंड के भोग में पड़ करके अपने जीवन की कामनाओं के पीछे दौड़ता चला जा रहा है। इसीलिए तो कहा काम शतान पश्च की लोक दृष्टि। मानव को केवल भोग कामनाएं इच्छाएं लालचाएं ये सब कुछ दिखाई देता है। हम बोलते हैं लेकिन रियलाइज नहीं कर पाते हैं। शिलाद मुनि कितने महान संत, केवल एक अपने महादेव को भजते हैं। उनको बड़ा दुख बड़ी पीड़ा, मेरी आंखें नहीं, मैं सुन नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं अपने पितरों का उद्धार कैसे करूं। जो बेचारा देख नहीं सकता, इकलौता है अपने माँ बाप, कुछ देख नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, और वो सोच रहे हैं अपने पितरों का उद्धार कैसे करूं। मेरे हाथ से कोई जल पितरों को नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा कोई अंश वंश नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है। मेरे हाथ से दिया जाने वाला जल वो मेरे पितरों तक नहीं पहुंचेगा। आप लोग भाग्यशाली हैं सज्जनों। देव महादेव मेरे करुणावतार, संसार का कल्याण करने वाले देवों के देव महादेव आप धन्य हैं। उन्होंने आकाशवाणी अर्थात उनको एक स्वर सुनाई दिया, हे सिराज, तुम अपने आंगन में मेरे नाम का यज्ञ करो। शिलाद ने कहा, प्रभु मुझे कुछ दिखता नहीं। बोला, कोई बात नहीं, दिखता नहीं है कोई बात नहीं, उसके लिए व्यवस्था बनाओ, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। शिलाद मुनि ने यज्ञ कुंड खोदा और उस यज्ञ कुंड में अग्निदेव को प्रकट किया, आहुतियां डाली, और जैसे ही यज्ञ नारायण प्रकट हुए उसी बीच से एक तेज पुंज भगवान शंकर के अंशावतार प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। यज्ञ किया, यज्ञात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात् यज्ञ संभवा। जो भी सृजन आप नूतन सृजन देखते हैं इस संसार में, यदि आप कुछ नूतन सृजन चाहते हैं, नई उत्पत्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि संसार में रिसाइकलिंग हो, नया सृजन हो, यज्ञात् भवन्ति भूतानि, यज्ञ के माध्यम से ही सृजन होगा। क्योंकि यज्ञ होगा, धुआं बनेगा, बारिश आएगी, बारिश आकर के फिर खेती हरी भरी हो जाएगी। आप चाहते हैं कि आपके जीवन की खेती भी हरी भरी हो, तो शिलाद मुनि जिनके पास कुछ भी नहीं था, ऐसे लोगों ने भी यज्ञ किए। हमारे यहां आता ना कि हर कार्य के पीछे यज्ञ करो, डूंडे काने लंगड़े अंधे अंधे मूर्ख जिनका कुछ नहीं, उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात् यज्ञ संभवा, वही यज्ञ जिससे आपका भविष्य निश्चित हो गया, जिसमें कल्याण था, रहस्य था, वही महापुरुष जो शिव का अंश उससे प्रकट हुआ और प्रकट होकर कहा कि हे प्रभु मुझे क्या आदेश है। कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। वही भगवान का अंशावतार उस यज्ञ से निकला हुआ वो महापुरुष, वो प्राण शक्ति, वो आत्म शक्ति एक छोटे से बच्चे का रूप धारण कर दिया।
और कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम मुझे देख भी पाओगे, सुन भी पाओगे, चल भी पाओगे, कुछ कर भी पाओगे। और उसने जैसे जैसे स्पर्श किया शिलाद मुनि को, शिलाद मुनि देखने भी लगे, सुनने भी लगे, चलने भी लगे और उनका रूप बड़ा सुंदर हो गया। शिव को भजने से, शिव को जपने से, शिव को सुनने से मन भी सुंदर होता है, आकार भी सुंदर होता है, भाव भी सुंदर होते हैं, विचार भी सुंदर होते हैं। और इससे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, चरित्र भी सुंदर होता है और भाग्य भी सुंदर होता है। अगर अपना सब कुछ सुंदर करना है तो शिव को भजो, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। ऐसे ही शिलाद मुनि का भाग्य बदला, ये कोई सामान्य बात नहीं है। शिव को जपने वाला ही शिव को प्राप्त कर सकता है। यहां भगवान देवादिदेव महादेव चाहते थे एको हम बहुश्याम, हमारे यहां कहा एक ब्रह्म है द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो ना अस्ति, ब्रह्म एक है। लेकिन इधर कह दिया एको हम बहुश्याम, भगवान ने इस ब्रह्मांड के अंदर एक शिव से अनेक शिव, अब ये बताइए कितने शिवलिंग हैं, हजारों लाखों करोड़ों, इस धरती में जहां कुछ नहीं है वहां शिवलिंग है। क्या कारण है इसका, इसका विज्ञान क्या है सज्जनों? ये पूरी धरती को ऊर्जावान बनाने के लिए भगवान शंकर का वही ज्योतिर्लिंग जो किसने पूजा था, ब्रह्मा और विष्णु ने, वही ज्योतिर्लिंग पूरे ब्रह्मांड के अंदर स्थापित हुए हैं, सिर्फ किसके लिए, मानव कल्याण। ब्रह्मा और विष्णु की बुद्धि के संशय को दूर करने के, इसी स्वरूप को, यहां तो शिलाद मुनि को भगवान शिव को पूजने पर सब कुछ मिल गया, अब ये संसार के लोगों को कैसे सब कुछ समझ में आएगा, ये संसार की रचना हुई कैसे। तो एको हम बहुश्याम, ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि सृष्टि की रचना करो, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कहा गया है, ये बड़ा सुंदर सा वृतांत है। तो यहां पे देवर्षि नारद जी ने बताया, विदे विदे महाभागे कथां संभो सुभावां श्रणुवन् भगवान् मुखां भोजा नत्रिप्तो श्री महाप्रभु। ऐसा वृतांत हम सुनते हैं जिससे हमारा जीवन मंगलमय हो जाए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले चार पुत्रों को अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने चिंतन से, अपने ध्यान से चार पुत्रों को पैदा किया। ब्रह्मा जी के प्रथम चार पुत्र मानस पुत्र, वही सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, वो चारों ने जन्म लिया, जन्म लेते ही तप करने चले गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी ने प्रयास नहीं किया, अब ये तो तप करने चले गए, ब्रह्मा जी का अग्रिम प्रयास वो क्या था, बहुत सुंदर सा प्रसंग था। सृष्टिकर्ता भवम ब्रह्मा विष्णु पालन कारक लयकर्ता स्वयं रुद्र स्त्रीधा भूतो सदा शिव। ये बात तो पक्की है कि सृष्टिकर्ता भवम ब्रह्मा, पालन विष्णु, इस सृष्टि का पालन किसने किया, विष्णु
पालन कारक। एक बात बताइए, यदि भगवान विष्णु पालन कारक हैं, तो भगवान विष्णु का पुराण श्रीमद् भागवत मोक्ष ग्रंथ कैसे? अगर वो पालन करते तो मोक्ष ग्रंथ कैसे? तो इसमें एक संस्कार पैदा होता है, जिसने भगवान विष्णु को सुना हो, समझा हो, कुछ सीखा हो, कहते हैं कि इसका इसके अंदर संस्कार नहीं है, और जिसके अंदर संस्कार नहीं है तो वो कुछ भी हो सकता है, वो बर्बाद हो सकता है। तो भगवान विष्णु पालन कारक है, और संस्कार जिसके जीवन में होते हैं उसको जन्म और मृत्यु का भय नहीं होता है। भागवत जी को सुनने का मतलब, पढ़ने का मतलब है एक ऐसा संस्कार जीवन में ले आना जिसमें जन्म मृत्यु का भय ही ना हो, जन्म और मृत्यु का कोई भय ही ना हो, ऐसा ज्ञान भागवत जी के अंदर है। और यहां तो कहा ये तो मोक्ष ग्रंथ है, लेकिन विष्णु पालन कारक, अब पालन करने वाले मोक्ष कैसे देंगे? ध्यान दीजिएगा, हमारे पालन कारक कौन है? हम लोगों के पालन कारक कौन है? हमारे माता पिता। अगर लक्ष्मी जी नहीं होगी भगवान विष्णु की पत्नी तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। भगवान विष्णु नहीं होंगे, पिता नहीं होंगे, तो हमारी हमारा जो रख रखाव है, हमारी शिक्षा है, हमारी पढ़ाई है, उसमें भी कमी नहीं। हम अपने जीवन में ज्ञानी बने तो बने कैसे? यदि संस्कार अच्छे होंगे तो हमारे जन्म मृत्यु का जो बंधन है उससे हमें मोक्ष मिल जाएगा। इसीलिए मोक्ष ग्रंथ भागवत है, भगवान विष्णु की शरण में है।